सो हेलो, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो बेसिकली आज मैंने एक और प्रोडक्ट मंगवाया जो घर में, जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, मैंने पुल अप बार मंगवाया था जो मैंने लास्ट वीडियो आप देख सकते हैं मैंने डाली थी। अभी जो मैंने मंगवाया है ये मैंने मंगवाया पुशअप करने के लिए, और एग्जैक्ट और राइट पुशअप करना बहुत ज़रूरी है जिससे कि हमारे जो मसल्स हैं जो हम चाहते हैं गेन हो वो प्रॉपर हो सके। तो मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या प्रोडक्ट मंगवाया है। मैंने ये प्रोडक्ट मंगवाया है, इसे बोलते हैं फोल्डेबल पुशअप बोर्ड। तो इसके बारे में मैंने बड़ा देखा यूट्यूब पे और फ्लिपकार्ट पे, मुझे मिला ये अराउंड 350 रुपीज़ का। तो चलिए इसको देखते हैं। इसमें तीन से आई गेस चार तरह की एक्सरसाइज इसमें हो सकती हैं। इसमें लिखा हुआ है हम बैक की एक्सरसाइज कर सकते हैं, सिर्फ पुशअप के द्वारा हम बैक की एक्सरसाइज कर सकते हैं, शोल्डर की कर सकते हैं, ट्राइसेप्स की कर सकते हैं और चेस्ट की कर सकते हैं। तो देखते हैं ये वर्क करता है कि नहीं। मैं हो गया हूँ रेडी, और चलिए पहले हम इसको अनबॉक्स कर लेते हैं डब्बे को। जैसा कि मैंने इसे खोल लिया है, क्योंकि एक साइड से वीडियो बनाना और करना बड़ा मुश्किल होता है, तो इस बॉक्स में आई गेस सिर्फ यही है। हाँ, बॉक्स खाली है, तो इसे एक बार निकाल लेते हैं बाहर। जैसा कि क्वालिटी वाइज देख रहा हूँ मैं, क्वालिटी अच्छी लग रही है, स्ट्रांग है। और ये आई गेस कैसे लगाना है, ओके ये ऐसे रहेगा और ये रहेगा हमारा इस साइड पे लाइक दिस। तो इसमें जो है यहाँ पर लिखा हुआ है बैक, शोल्डर, ट्राइसेप्स और चेस्ट। तो आई गेस इसको हमने जो है जब हमने चेस्ट की करनी है तो हमें जो ये रेड लाइंस हैं आई गेस यहाँ पर प्लेस करना है इस तरीके से, और इस वाले को हमें प्लेस करना है इस साइड पे। तो इस तरीके से हम जो है हमारी चेस्ट की एक्सरसाइज कर सकते हैं। और इसमें अगर हमें करनी है बैक की एक्सरसाइज तो जो ग्रीन वाले डॉट्स हैं इन पे हमें इसको रखना है। एक मिनट में पहले इसके निकाल लेता हूँ। हाँ, तो ये ग्रीन वाला है, इस ग्रीन लाइन पे कर लेंगे और सेम यहाँ प्लेस कर लेंगे, तो हमारी जो है बैक की एक्सरसाइज हो जाएगी। शोल्डर की करनी है तो हमें ब्लू वाले पे करना है लाइक दिस, तो ये हमारे शोल्डर की हो जाएगी एक्सरसाइज। और बेसिकली क्या है कि इसमें अलग अलग पॉइंट्स हैं जिससे हम जो है अपने उस पर्टिकुलर पार्ट को पंप कर सकते हैं। तो मैं एक बार इसे ट्राई करता हूँ सेटअप करके, तो जिससे देखते हैं कि ये एग्जैक्ट उसी जगह पे पंप कर रहा है या सिर्फ चेस्ट चेस्ट पे ही असर दे रहा है, क्योंकि ज़्यादातर जो हम पुशअप्स मारते हैं वो सिर्फ चेस्ट पंप करने के लिए ही मारते हैं। तो इन पॉइंटों से फ़र्क पड़ता है कि नहीं वो हम चेक करते हैं। मैं पहले सेटअप इंस्टॉल कर लेता हूँ फिर कंटिन्यू करते हैं वीडियो। आज मैं जो हूँ सोच रहा हूँ शोल्डर की एक्सरसाइज पे फोकस करूँ। मेरे को 2-3 दिन हो गए हैं इसको ट्राई करे हुए और सच में ये कामयाब है और मुझे बहुत अच्छा पंप मिला। जैसे मैं बैक की कर रहा हूँ तो बैक पे मिला और शोल्डर की कर रहा हूँ शोल्डर पे, तो मैं आज शोल्डर पे ही ट्राई कर रहा हूँ। तो देखते हैं कैसे ये काम करता है। तो शोल्डर के लिए हमें ब्लू वाले पार्ट पे रखना है, तो मैं ब्लू वाले पार्ट पे इसको रख देता हूँ इस तरीके से और शुरू करते हैं। तो इसमें क्या है, अलग अलग पॉइंट्स दे रखे हैं। मैंने अभी इस वाले पे मारा पर्टिकुलर, अब इसमें एक यहां पर भी है, एक ऐसे भी है और एक ऐसे भी है, तो चार तरह से दे रखे हैं शोल्डर के एक्सरसाइज के लिए। तो मैंने अभी ये वाला मारा है, अब मैं इस वाले पे जा रहा हूं। मैं ज्यादा नहीं मारूंगा क्योंकि मेरे को अब रेगुलरली अपने आप को इसी के ऊपर डालना है, तो मैं धीरे धीरे इंक्रीज करूंगा। तो अभी जो है बेसिकली सिर्फ 3 ही सेट मारूंगा, 10-10 के, इससे ज्यादा नहीं मारूंगा। तो नेक्स्ट सेट पे चलते हैं। सेट भी कंप्लीट हो गया है जो मैंने ऐसे मारा था, अब लास्ट 3रा सेट है वो मैं ऐसे मारूंगा। ये वाला थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि इस तरह से हमें आदत नहीं है बॉडी को पुशअप करने की, बट ठीक है, जहां तक मुझे लग रहा है कि फर्क पड़ रहा है। जो मैंने अभी पोजीशन की है वो ये वाली की है शोल्डर की, तो मुझे इफेक्टिव तो लग रहा है नो डाउट, जैसे कि आप देख सकते हैं। पंप तो हुए हैं शोल्डर, मुझे फील हो रहा है यहां पर, और चेस्ट भी इसके साथ साथ हल्की हल्की पंप हो गई है, चेस्ट में भी मुझे फील हो रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं। तो प्रोडक्ट इज नाइस,
बाकी इससे क्या, अगर रेगुलरली करेंगे तो हमारी जो शेप है बॉडी की वो एक्यूरेट रहेगी। मुझे कुछ ज़्यादा मसल गेन नहीं करने हैं, बहुत ज़्यादा मुझे हैवी बॉडी नहीं बनानी है, मुझे बस लीन और सिंपल सी बॉडी चाहिए जिसमें मेरे कट्स रहे, मतलब पेट ना दिखे, काइंड ऑफ हल्की चेस्ट रहे, दैट्स इट। मुझे कोई बड़े बड़े बाइसेप्स या डोले वगैरह नहीं बनवाने, तो फिट एंड फाइन रहना है, सिंपल रहना है। तो मेरे को जहाँ तक लगता है कि इससे फर्क पड़ रहा है, मेरा पेट भी पहले से काफ़ी अंदर हो गया है और बैक भी आप देख सकते हैं। जैसे कि बैक में भी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पर हल्के हल्के पंप आने शुरू हो गए हैं। तो मेरी तरफ से इस प्रोडक्ट को थम्स अप है, आप भी इसको मंगवा सकते हैं फ्लिपकार्ट से, ज़्यादा महंगा नहीं है, 350 रुपीज़ का है। मैं लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और वाकई में जो इन्होंने पॉइंट्स दिए हैं वो वर्क करते हैं, साइंटिफिकली मुझे फील हो रहा है बॉडी पे। तो जिसने भी ये बनाया है मैं सबको रेकमेंड करूंगा कि इसको यूज करें, जो हैवी एक्सरसाइज नहीं करना चाहते और जिम नहीं जाना चाहते, घर पे रह के हल्का फुल्का बस फिट रहना चाहते हैं, जैसे थोड़ी शर्ट वर्ट फिट आए और अपना बॉडी में जो है एक्टिवनेस रहे, तो मस्ट रेकमेंडेड। तो चलिए इसी बात मिलते हैं आपको फिर मैं जल्दी से किसी नए प्रोडक्ट के साथ और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे ऑल। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ जाते जाते एक आधा सेट पुलअप को भी मार लेते हैं, जिसकी वीडियो मैंने लास्ट टाइम डाली थी, इसको भी आप देख लीजिए, और इसकी वीडियो जो है लास्ट वीडियो में जो मैंने डाली थी वो आप देख सकते हैं। तो ये भी मैं मार के आपको दिखा देता हूँ। बाय बाय, टेक केयर। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।